फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइकोप्लाज्मा। सो ये माइकोप्लाज्मा है क्या? तो जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोप्लाज्मा दे आर वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोब्स। ओके, इवन दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ओके, इफ यू कंपेयर दिस माइक्रोप्लाज्मा विद द बैक्टीरिया, देन दीज माइक्रोप्लाज्मा दे आर 1000 times स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। और वी कैन से, इफ वी कंपेयर दिस माइक्रोप्लाज्मा विद यू एनी यूकैरियोटिक सेल्स, देन इट इज 1000 times स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, एक्सेप्ट ओनली देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन माइक्रोप्लाज्मा एंड द बैक्टीरिया। लाइक इन माइक्रोप्लाज्मा दे डोंट हैव एनी सेल वॉल। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोप्लाज्मा दे हैव बीन कैप्ट अंडर द सेपरेट क्लॉट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये जो माइक्रोप्लाज्मा है, दे आर, लेट मी राइट, सो दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोब्स। ओके, स्मॉल माइक्रोब्स। अब अगर बात करें इनके साइज की, कि इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, तो दे आर अप्रोक्स, इट्स रेंज इज अप्रोक्स 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, सो दे आर वेरी वेरी टीनी माइक्रोस्कोप्स। ओके, इफ यू वॉन्ट टू सी दिस माइक्रोप्लाज्मा, देन हाउ कैन वी सी? सो वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइक्रोप्लाज्मा। लाइक दिस इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा विच वी कैन सी बाई यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, विद अवर नेकेड आई वी कांट सी दीज माइक्रोब्स। ओके, बिकॉज दीज माइक्रोब्स दे आर वेरी वेरी टाइनी इन नेचर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन बी एबल टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज माइक्रोब्स। ओके, सो दी आर वेरी स्मॉल माइक्रोब्स, देयर रेंज इज अप्रॉक्स 0.1 to 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इट इज माइक्रोमीटर, मीन्स इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द अदर फीचर्स, सो तो हाउ दिस माइक्रोप्लाज्मा दे हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ दिस माइक्रोप्लाज्मा दे हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस माइक्रोप्लाज्मा, देन आर साइंटिस्ट लुईस पॉस्चर। तो लुईस पॉस्चर ने किया था, उन्होंने सबसे पहले इन माइक्रोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, सो लेट मी राइट, दे हैव बीन डिस्कवर्ड बाय लुईस पॉस्चर। ओके, in 1843 from the pleural cavities of cattle suffering from pleuropneumonia. Okay, सो इन माइक्रोप्लाज्मा को इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो लुईस पाश्चर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1843 में दीज माइक्रोप्लाज्मा दे हैव बीन डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। और उन्होंने क्या, किसमें डिस्कवर्ड किया, कौन सा जो एनिमल था वो था कैटल। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, जो प्लूरल कैविटीज होती है कैटल की, और वही जो कैटल थी, ठीक है, वो क्या होता है, वो सफर कर रही थी निमोनिया एक डिजीज से। निमोनिया क्या है, एक टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज है। ओके, इसमें हम लोग क्या होता है, जो ब्रीथिंग या सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या लंग्स जो हमारे वो सही से काम नहीं करते हैं, या हमारे लंग्स जो है वो स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि, और क्या हम कह सकते हैं, लंग्स में क्या है, थोड़ा जो वाटर वो एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लुईस पाश्चर ने क्या कहता है, 1843 में ही डिस्कवर्ड दिस माइक्रोप्लाज्मा फ्रॉम द प्लूरल कैविटी ऑफ कैटल विच इज सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनेमोनिया। ओके, सो नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ एंड एमएलओ। ओके, सो पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड एमएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म।
ओके तो अब तो ये डिस्कवरी होगी, मींस लुईस पाश्चर ने डिस्कवर कर लिया कि जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लूरो कैविटी ऑफ कैटल जो कि निमोनिया से सफर कर रही थी उसमें प्रेजेंट थी। अब क्वेश्चन आता है कि इन माइकोप्लाज्मा को क्या हम कल्चर कर सकते हैं? ओके नाउ द क्वेश्चन कम्स वेदर दीज माइकोप्लाज्मा दीज माइक्रोब दीज टाइनी माइक्रोब कैन बी कल्चर ऑन द कल्चर मीडिया। ओके तो द आंसर इज येस वी कैन कल्चर दीज माइकोप्लाज्मा ऑन द कल्चर मीडिया और वी कैन ग्रो दीज माइकोप्लाज्मा ऑन द कल्चर मीडिया। ओके सो द नेक्स्ट नोकार्ड एंड राउट्स इन 1898 ऑब्टेन द प्योर कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके सो फिर क्या हुआ, अब हम लोग जैसे कि माइकोप्लाज्मा को क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं किसी भी कल्चर मीडिया में, ये हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो जो नोकार्ड और रॉक्स थे उन्होंने 1898 में क्या किया, इस माइकोप्लाज्मा का जो है वो प्योर कल्चर ऑब्टेन किया। तो उन्होंने क्या किया, माइकोप्लाज्मा को कल्चर प्लेट लिया या पेट्री डिश लिया, उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने मीडिया डाला। अब माइकोप्लाज्मा क्या करता है, इट रिक्वायर्स स्टेरॉल्स फॉर देयर ग्रोथ। ओके तो उन्होंने क्या किया, मीडिया लिया, मीडिया में क्या किया, माइकोप्लाज्मा की स्ट्रिकिंग कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्ट्रिकिंग किया, तो उन्होंने देखे क्या देखा कि उस मीडिया में क्या हुआ कि जो माइकोप्लाज्मा है वो ग्रो करने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो माइकोप्लाज्मा है इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से साइंटिस्ट है जिसने जो माइकोप्लाज्मा जो टर्म है वो दिया। ठीक है, सो कौन से साइंटिस्ट है, सो नोवाक इन 1929 गेव द नेम माइकोप्लाज्मा। ओके सो इसके बाद क्या हुआ, इन 1929 में एक नोवाक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीज स्मॉलर टाइनी माइक्रोब्स को क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएसआईआर हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उसमें जो ये स्पेसिफिक जो साइंटिस्ट के नेम है वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हु गेव द टर्म माइकोप्लाज्मा, देन हु आर द साइंटिस्ट हु हैव ऑब्टेन्ड द प्योर कल्चर ऑफ दीज माइकोप्लाज्मा, और हु डिस्कवर्ड हु वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस माइकोप्लाज्मा। तो आपको क्या याद रखना है, लुईस पाश्चर ने इसे डिस्कवर किया था, नोकार्ड एंड राउट्स ने क्या कहता था, इन माइकोप्लाज्मा का प्योर कल्चर ऑब्टेन किया था, और जो नोवाक ने उन्होंने 1929 में क्या किया था, उन्होंने 1929 में इन टाइनी माइक्रोब्स को माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था। ओके तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री अबाउट द माइकोप्लाज्मा। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन 1966 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर दे सेपरेट दीज माइकोप्लाज्मा फ्रॉम बैक्टीरिया एंड पुट इन अ क्लास कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके सो 1966 में क्या था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, उन्होंने क्या किया था, ये माइकोप्लाज्मा को एक सेपरेट क्लास रख दिया और उस क्लास का नाम क्या था, मॉलिक्यूल्स। ओके क्योंकि ये जो है कुछ कैरेक्टर जो इनके हैं वो डिफरेंस है, अब या हम बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर है इनका, इन माइकोप्लाज्मा दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। सो मेन डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, लेकिन इन केस ऑफ दिस माइकोप्लाज्मा दे लैक सेल वॉल, इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, इन माइकोप्लाज्मा दे डोंट हैव एनी फिक्स शेप। अब ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये फ्लास्क शेप भी हो सकते हैं, ये मोर इलोंगेटेड शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखें, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ बैक्टीरिया नोमेनक्लेचर है उन्होंने इन माइकोप्लाज्मा को एक सेपरेट
क्लास में रख दिया, और उस क्लास का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ द माइक्रो और माइकोप्लाज्मा, तो द आंसर विल बी मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज द अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा। ओके, सो ये माइक्रोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो दिस इज अ जनरल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, PPLO, विच कॉजेज द प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से विच कॉजेज अ डिजीज निमोनिया। ओके, सो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, मीन्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज डबल लेयर्ड। ओके, एक लेयर ये हो गई, तो ठीक है, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज जनरली मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, या हम कह सकते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की, जो आउटर कवरिंग इट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, अब ये लिपोप्रोटीन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके अंदर जो अदर कंपोनेंट वो मे बी कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ अदर लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इट्स अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर में जो DNA है और RNA है, ठीक है, वो दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब DNA इसमें कैसा होता है, इट अ सिंगल डुप्लेक्स, ओके, इट इज अ सिंगल डुप्लेक्स DNA, एंड द DNA इज हाउ इट इज ऑफ सर्कुलर इन नेचर। ओके, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। अब बात करें आरएनए की, तो इसमें आरएनए ही प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें, ठीक है, तो डीएनए जो है इट इज प्रेजेंट ओनली 4%, अगर आरएनए है वो 8%। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है उसमें जो उसका केमिकल कंपोजिशन, जो डीएनए है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब उसका जो कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे डीएनए जो है वो 4% प्रेजेंट रहता है और जो आरएनए है वो 8% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम जैसे इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो लाइसोसोम, ओके, सो नो सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब इसमें कुछ फ्लूड भरा हुआ तो होता है, जैसे कोई भी सेल हो, ठीक है, अगर सेल के अंदर जो फ्लूड भरा हुआ होता है उसे क्या हम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, तो वॉट एवर द फ्लूड विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब इसमें जैसे देख सकते हैं आप, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इट इज फॉल्स न्यूक्लियस है, ओके, नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब बात करें हम अगर इसमें राइबोसोम की, तो इसमें देखिए राइबोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम, अब राइबोसोम कौन सा होता है, वो 70S टाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर बात करें सॉल्युबल प्रोटीन पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन पार्टिकल्स क्या कहते हैं, दे हेल्प इन द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेनुलर और एलिमेंट्री बॉडीज, तो ये जो लास्ट सेल है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, अब इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल ग्रेनुल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ग्रेनुल्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग एलिमेंट्री बॉडीज भी बोल सकते हैं, और दीज एलिमेंट्री बॉडीज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इन्फेक्शन इन द प्लांट्स एनिमल्स, ओके, और वी कैन से दीज एलिमेंट्री बॉडीज दे एक्ट, और वी कैन से दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ओके, जो ये एलिमेंट्री बॉडी है, ये स्मॉल स्मॉल माइनूट एलिमेंट्री बॉडी क्या होती है, बहुत बड़े लार्ज माइक्रोप्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होती है। अब जब ये लार्ज माइक्रोप्लाज्मा सेल जो होता है इसकी मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो ये एलिमेंट्री बॉडीज क्या होती हैं, ये रिलीज हो जाती हैं, ठीक है, तो इट इज हेल्पफुल फॉर रिप्रोडक्शन। अब बात करें एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स, अब इसके सेल में क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जो मेटाबोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर, हो गया बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर माइक्रोप्लाज्मा का, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड विच सेपरेट दिस माइक्रोप्लाज्मा सेल्स फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स,
ओके, द फर्स्ट वन क्या है? नो सेल वॉल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया सेल। नेक्स्ट क्या हो गया? दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मीन्स मैनी फॉर्म्स, ओके, तो दे आर ऑफ मैनी फॉर्म्स। लेट मी गिव एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ओके, तो इट इज अ, अब अगर बात करें इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में, या टू मोर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, और दूसरा अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, तो दीज आर द स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा। सो निमोनिया क्या है? इट इज, लेट मी राइट विद अदर कलर, तो इट इज ऑफ सम इलोंगेटेड टाइप, सम इलोंगेटेड, एंड द रेंज क्या हो सकती है इसकी, यानी कितना बड़ा होगा ये, तो 100 to 1000 नैनोमीटर, क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम जेनिटेलियम की, ओके, तो एम जेनिटेलियम क्या है? इट इज अ फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप, इसका साइज क्या है? 300 to 600 नैनोमीटर, ओके, तो आपको ये दोनों जो नेम है माइकोप्लाज्मा की, जो स्पीसीज है, इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो माइकोप्लाज्मा जेनिटेरियम है उसका शेप क्या है, या उसका जो साइज है वो क्या है, ठीक है, तो इट इज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, मीन इट इज हैविंग द मैनी फॉर्म, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया? नो सेल ऑर्गेनल्स, ओके, सो इन माइक्रोप्लाज्मा स्ट्रक्चर नो सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जैसे ये है ना, ये क्या है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड इट इज ऑफ 70S टाइप, ओके, तो राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? इट इज ऑफ 70S टाइप, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? दे कंटेन ग्रेन्यूल्स, ओके, सो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल या माइनर से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, एंड कैन आल्सो बी सर्व एज एलिमेंट्री बॉडीज, एलिमेंट्री बॉडीज, ओके। अब ये एलिमेंट्री, इसमें आपको बताया कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट ग्राम निगेटिव, ओके, तो ये माइकोप्लाज्मा क्या है? दे आर ग्राम निगेटिव, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दे रिक्वायर स्टेरॉल फॉर देयर ग्रोथ, ओके। सो अब ये जो माइकोप्लाज्मा है, इन्हें स्टेरॉल की जरूरत होती है, जैसे कोई भी इंसान, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को क्या होता है, जब खाना हम लोग को मिलता है तभी हम लोग की ग्रोथ होती है, या तभी हम लोग क्या जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा को क्या चाहिए होता है? इन्हें स्टेरॉल चाहिए होता है, ठीक। अब स्टेरॉल्स भी जैसे कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, वहीं अगर बात करें हम लोग प्लांट में, तो प्लांट में एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, सॉरी, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। अब वहीं अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई में एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये जो माइकोप्लाज्मा है, दे कैन इन्फेक्ट द प्लांट्स आल्सो, ओके, एनिमल्स आल्सो, अंडरस्टूड ना। नाउ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, दे मे बी पैरासाइट सेप्रोफाइट, ओके, सो वेरी फ्यू स्पीसीज दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर, बट अ मोस्टली 80% स्पीसीज दे आर पैरासाइट, मीन दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, ओके, और वी कैन से दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल, बिकॉज दे रिक्वायर स्टेरॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्या था? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन
or we can say plasma membrane. Is also present. Okay, so इसकी जो outer covering है वो lipoprotein membrane की बनी होती है and this include the cholesterol and also the some other lipids. Okay, along with that some soluble protein particles are also present. So these are some important characteristic. इसके बाद कुछ और भी characteristic वो हम लोग discuss करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं no cell wall, then they are pleomorphic in nature, means they are having the many forms. Like for example, mycoplasma pneumonia, they are some elongated structure, about 100 to 1000 nanometer. Then mycoplasma genitalium, it is flask-shaped structure, about 300 to 600 nanometer in diameter. Then no cell organelles present, ribosomes, it is of 70S type, and they contain granules, and these granules can serve as the alimentary body also. Then they are gram-negative bacteria, they require sterol for their growth. These are heterotrophic in nature, means they can obtain their food from the others. Okay, or we can say they are dependent on others for their growth. Next, the membrane is made up of lipoprotein. Okay, ठीक है, अब now we'll see some other characteristic also. Okay, so these are 9 I have discussed. Let us discuss some more so that you people can solve all the questions related to mycoplasma. So the 10th one is they can grow on culture media. Okay, and the colonies will be like dense central region. Or we can say egg fried. तो इस जो सेंटेंस क्या मतलब है, अगर हम लोग इस माइक्रोप्लाज्मा को कल्चर मीडियम में ग्रो करें तो ये इजिली ग्रो हो जाएंगे. ठीक है, और इनकी जो कॉलोनीज होगी वो बहुत ही डेंस होगी. जैसे अगर हम लोग आमलेट बनाते हैं तो क्या होता है, बीच में बहुत सारा क्या बोलते हैं जो वाइड वाइड पोर्सन है कि बहुत डेंस पोर्सन आ जाता है. ठीक है, तो वैसे इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एग फ्राइड लाइक, मीन्स उसकी जो कॉलोनीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू कॉलोनी आती है, इसीलिए वो जो कॉलोनीज होती है माइक्रोप्लाज्मा की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मीन उनका जो नंबर्स होता है बहुत ही ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दे आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन, and susceptible to streptomycin, or we can say tetracycline etc. okay, so अब इनके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अब वो एंटीबॉडी जो डायरेक्टली सेल वॉल पे इफेक्ट करती है यानी सेल वॉल को डिग्रेड करती है, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो माइकोप्लाज्मा पे कोई असर नहीं करेंगी. मीन माइकोप्लाज्मा दे आर रेजिस्टेंट टू दोज टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन. लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट सम अदर एंटीबायोटिक्स आर आल्सो देयर लाइक द स्ट्रेप्टोमाइसिन और द टेट्रासाइक्लिन. So, if we want to kill the mycoplasma, then we can use tetracycline and the streptomycin antibiotic because they work in some other manner. Means their mode of action is different or they use some metabolic pathway. On the basis of that, they kill the mycoplasma cell. Okay, तो ये question भी आता है कि अगर if we use streptomycin, then what is the nature of this mycoplasma? So, it will be a susceptible. Okay, so ये बहुत ध्यान से आप याद रखिए, जो penicillin होगी अगर इसका इफेक्ट हमें देखना है तो जो माइक्रोप्लाज्मा है इट विल बी रेजिस्टेंट, बट इफ वी यूज द स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन देन दीज एंटीबायोटिक दे कैन किल द माइक्रोप्लाज्मा सेल. ओके, इसीलिए आप एक चीज और देख लेते हैं कि एक टर्म होता है जोकर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक. ओके, सो इन्हें एक कॉमन टर्म से डिनोट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जोकर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक. ओके, अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, इनके सेल वॉल रिजिड होती है, इनका शेप कभी भी इधर उधर भी कर सकते हैं, चाहे इलोंगेटेड फ्लास्क
स्फेरिकल, तो मैनी स्पीसी दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट शेप, इसीलिए, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं जोकर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच माइक्रोब्स आर कॉल्ड द जोकर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक, तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या देना है, माइक्रोप्लाज्मा। ओके, तो ये हो गया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा। अगर आपने मेरे पूरा लेक्चर को अच्छे से देखा होगा ना, तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है माइक्रोप्लाज्मा से रिलेटेड। ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब बात करने ये सोचने वाली ही है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो रिप्रोडक्शन, वैसे मैंने आपको बताया कि दे आर सम गैनुल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल। ओके, अब ये गैनुल्स क्या होते हैं, दे गैनुल्स दे कैन सर्व आल्सो एज ए एलिमेंट्री बॉडीज। ओके, तो दीज गैनुल्स दे आर प्रेजेंट इन साइड द लार्ज मैच्योर सेल्स। ओके, सो अब क्या होता है, अब वेन द मेम्ब्रेन ऑफ दीज लार्ज मेच्योर सेल दे गेट इट गेट रप्चर्ड, देन दीज एलिमेंट्री बॉडीज दे रिलीज और दे कम आउट एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन ग्रोथ। ओके, तो लाइक दैट द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। लॉन्ग विद दैट देयर आर सम अदर मेथड ऑल्सो, लाइक द बाइनरी फिजन। इन सम स्पीसीज द बाइनरी फिजन प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द माइक्रोप्लाज्मा। ओके, तो दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो इफ यू टॉक अबाउट द डिजीजेस, सो दीज माइक्रोप्लाज्मा दे कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिजीजेस। सो डिजीजेस इन प्लांट्स, ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिजीज इन प्लांट, सो द फर्स्ट वन इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सेकेंड वन एस्टर येलोज। सो इफ यू टॉक अबाउट द डिजीज इन प्लांट्स, ओके, तो डिजीज इन प्लांट्स, सो दीज माइक्रोप्लाज्मा दे कैन कॉज वेरियस डिजीजेस इन द प्लांट ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ओके, सेकेंड एस्टर येलोज, नेक्स्ट मलबरी डॉर, नेक्स्ट राइस स्ट्राइप। ओके, नेक्स्ट कॉर्न स्ट्राइप। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस विच आर इन द प्लांट्स। ओके, तो दीज माइक्रोप्लाज्मा दे कैन कॉज दीज डिजीजेस इन द प्लांट ऑल्सो। ओके, सो अलॉन्ग विथ दैट दे आर सम अदर डिजीजेस ऑल्सो विच आर टेक्स प्लेस इन द प्लांट, वी कैन से दीज माइक्रोप्लाज्मा दे कॉज अदर डिजीजेस ऑल्सो इन प्लांट, सो दैट यू कैन टेक और यू कैन टेक इन माई PDF। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिजीजेस इन द ह्यूमंस। ओके, डिजीजेस इन ह्यूमंस, ओके, अब ह्यूमंस में कौन कौन डिजीज होती है, तो ह्यूमंस से पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। जैसा कि लुईस पाश्चर ने देखा था ना कि जो कैटल था उसमें कौन सा डिजीज था, प्लूरो निमोनिया, मीन्स इट कैन कॉज द निमोनिया आल्सो इन द एनिमल्स आल्सो। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो फर्स्ट वन इज माइक्रोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जेनिटेलियम, ओके, सो इट कॉजेस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट माइकोप्लाज्मा निमोनिया, सो इट कॉजेस वॉकिंग निमोनिया। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द माइकोप्लाज्मा होमोनिस, सो इट कॉजेस इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेशन इन जेनिटल्स. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द अदर स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्पीसीज दे कॉज आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस, एटीसी. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिजीजेस विच आर टेक्स प्लेस और वी कैन से विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, तो द फर्स्ट वन इज माइकोप्लाज्म जेनिटेरियम, इट कैन कॉज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. द नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एज द नेम इंडिकेट निमोनिया, तो इट विल कॉज द निमोनिया डिजीज. अब बात करते हैं निमोनिया होता क्या है. एक्चुअली निमोनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स है वो स्वेल हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या है, वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मतलब जो ऑक्सीजन हम लोग पूरा अच्छे से ले पाते हैं. तो अगर किसी पर्सन को ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई निमोनिया हो जाता है या निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि उन्हें जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई अच्छे से मिलती रहे. ओके, क्योंकि उनका लंग्स क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसे नहीं ले पाता उतने अच्छे से, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन का है वो कम हो जाता है. तो वेंटिलेटर क्या करता है, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन आर्टिफिशियली. ओके, तो उन्हीं पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पर रखते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए, तो इसी को हम लोग निमोनिया बोलते हैं. नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा ह्यूमैनिस, इट कॉजेज इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मीन्स मेल्स देन इफ दिस इज अ डिजीज विच टेक्स प्लेस फ्रॉम विद माइकोप्लाज्मा ह्यूमैनिस, देन द मेल्स दे विल बी इनफर्टाइल. ओके, मीन्स दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिलीज द स्पर्म्स. ओके, सो दे विल बी इनफर्टाइल एंड ऑल्सो सम इन्फ्लेमेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द सम प्राइवेट जेनिटल पार्ट्स. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द अदर स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, तो दे विल कॉज द आर्थराइटिस ऑल्सो, यूरेथ्राइटिस, एटीसी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा. सो वॉट वी डिस्कस हेयर, वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द माइकोप्लाज्मा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा. ओके, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइकोप्लाज्मा. ओके, एंड देन वॉट वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑल्सो एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो. एलॉन्ग विद दैट वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वन लाइक द डिजीजेस कॉज बाई माइकोप्लाज्मा इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, धन्यवाद.